हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज आपकी नाइट लाइव क्लास का पहली इवनिंग है और मैं प्रणव अवस्थी आपके साथ इस लाइव क्लास में जुड़ा हुआ हूँ। आज का सब्जेक्ट हमारा है कंप्यूटर, और जैसा कि आपको पहले से ही बताया गया है कि टॉपिक है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश सर हमारे साथ जुड़ गए हैं, गुड इवनिंग उमेश सर। मनोज सर हमारे साथ जुड़ गए हैं, गुड इवनिंग मनोज सर। दीपक मौर्य, अपूर्व शुक्ला, आयु शर्मा, काजल भार्गव, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आदित्य सिंह, शिवांश यादव, अच्छा दीपक वर्मा ने कहा हुआ है सर आपने पढ़ाया था अच्छे से। चलिए, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा, पास भी हो गए, बहुत अच्छी बात है। अखिलेश शर्मा सर, गुड इवनिंग सर, नमस्ते। सचिन वर्मा, रितेश वर्मा, अपूर्व शुक्ला, शिवांश यादव, विपिन कुमार, आयुष शर्मा, रविनाक सर, गुड इवनिंग सर, अरविंद कुमार, ऋषभ सर, गुड इवनिंग सर। बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ते हुए चले जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि IPL भी चल रहे हैं, तो हो सकता है कहीं ऐसा ना हो कि बहुत सारे बच्चे जो है IPL देखने में लग जाएं और लाइव क्लास से जुड़े ना। लेकिन खैर, आप सब धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, चलिए जुड़ते रहिए। IPL का स्कोर तो बाद में ही पता चल जाएगा, लेकिन आज का जो टॉपिक है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये 9th और 10th क्लास दोनों क्लास में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कंप्यूटर के तो बच्चे इस टॉपिक को पढ़ ही रहे हैं, साथ साथ में जो भी अदर क्लासेस के बच्चे हैं, चाहे वो साइंस स्ट्रीम के हों या फिर आर्ट्स स्ट्रीम के हों, वो सारे बच्चे, मोहिनी मैम नमस्ते, दक्ष वर्मा, नीतीश यादव, आयु शर्मा, मुकेश वर्मा, सब लोग धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, चलिए आते जाइए आप लोग। तो मैं बात कर रहा था कि कंप्यूटर के बच्चे हों या फिर अदर स्ट्रीम में, चाहे वो साइंस साइड के बच्चे हों या फिर आर्ट्स के बच्चे हों, वो सारे बच्चे इस टॉपिक से जुड़ें, क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव लेवल एग्ज़ाम होते हैं, उन सारे एग्ज़ाम में इंटरनेट के बाद जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक होता है वो है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, लिनक्स को स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे बताना चाहूँगा कि इन प्रेजेंट टाइम वी यूज़ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, कि हम विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं। अभी तक आपने जो पढ़ा हुआ है वो हम विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे थे। SP त्रिपाठी सर, गुड इवनिंग सर। आदित्य सिंह ने कहा IPL आपके लेक्चर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
अच्छा, तो ये बहुत अच्छी बात है। चलिए, आप आईपीएल देख करके आपका फ्यूचर बहुत अच्छा बन जाए। अमन बंसल, खुश रहो भैया। कुलदीप वर्मा, अंकुल यादव, मोहम्मद आमिर, अजीत कुमार, अंकुल वर्मा, अंकुश सिंह, बहुत सारे बच्चे धीरे धीरे करके क्लास से जुड़ रहे हैं। चलिए, जुड़ते आइए आप लोग। तो हम बात कर रहे थे कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, आज के टाइम पर हम विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। आपने अगर 9 से पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़े होंगे तो उसमें आपको विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम ही पढ़ाया गया होगा, जिसमें आप ग्राफिकल मोड पे, ग्राफिकल मोड का मतलब कि आपको बहुत सारा डेटा एज अ सिंबल, एज अ फोल्डर, एज अ ऑप्शन आपको वहां पर मिलता था, और आप उनका यूज करके आप विंडो को यूज करते हैं। मतलब एक ईजी वे में कह सकते हैं कि हमारे घर में एक छोटा बच्चा भी है, अगर हम उसको विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम सिखाना चाहते हैं तो बहुत ही ईजिली हम उसको विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम सिखा सकते हैं। क्यों? क्योंकि दिस इज द यूजर फ्रेंडली। कैसा है यूजर फ्रेंडली? देखिए, बहुत सारे ऐसे वर्ड होंगे जो आप सबके लिए नए होंगे, उन वर्ड्स को आप धीरे धीरे करके समझते चलेंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस क्लास के बाद में पूछेंगे, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगा। यूजर फ्रेंडली मतलब जो यूजर के लिए बहुत ज्यादा आरामदायक हो। जैसे आप देखा होगा, स्टार्टिंग में जब मोबाइल फोन स्टार्ट हुए थे तो नोकिया का हैंडसेट आता था, बटन वाला, है ना। वो कैसा भी पढ़ा लिखा आदमी हो या ना पढ़ा लिखा, उसको फोन दे दिया जाता था तो वो उसका इजीली यूज कर लेता था, क्योंकि उसको बता दिया जाता था कि हरे वाले बटन से फोन रिसीव हो जाएगा और लाल वाले बटन से फोन कट हो जाएगा। तो वो कैसा होता था? यूजर फ्रेंडली होता था। तो विंडो हमारे लिए यूजर फ्रेंडली है, लेकिन इस लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या जरूरत है? ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों विंडो की जगह पर आज के टाइम पर यूज हो रहा है? चूंकि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम और लिनक्स में कुछ ऐसे चेंजेस कर दिए गए हैं जिससे कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आज के टाइम पर सबका फेवरेट होता चला जा रहा है। मतलब उसने एक वर्किंग को और क्या कर दिया है? आसान कर दिया है। तो 9th और 10th के बच्चे जो बोर्ड एग्जाम में इस टॉपिक को का एग्जाम देंगे, उनके लिए आज की जो थ्योरी है, उस थ्योरिकल पोर्शन को आप बुक्स लेकर के बिल्कुल ना बैठें, आप सिर्फ पेन और कॉपी लेकर के बैठें। मैं जो भी चीजें आपके साथ शेयर कर रहा हूं, उन चीजों को आप नोट करते हुए चलें, और इस चीज का आपको रिवीजन भी करना है और आपके नोट्स भी तैयार करने हैं। तो चलिए, हम शुरुआत करते हैं आज के हमारे टॉपिक की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। कैसे इसकी शुरुआत हुई? तो देखिए, 1964 के आसपास जो है, एक 5 साइंटिस्ट की टीम थी जिसमें डेनिस रिची और केन थॉम्सन भी थे, और उन्होंने एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था जो लोगों तक फ्री में पहुंचाया जा सके। मतलब उसके सोर्स कोड को लोगों तक फ्री में पहुंचाया जा सके और सारे लोग इसको डाउनलोड करके इसका यूज कर सके। लेकिन इस काम में करीब 5-6 साल बिताने के बाद उन लोगों को लगा कि मतलब ये काम जो है हो नहीं पाएगा, तो उन्होंने इस काम को वहीं पर रोक दिया। लेकिन जो दो साइंटिस्ट थे, डेनिस रिची और केन थॉम्सन, इन दो साइंटिस्ट ने इस प्रोजेक्ट को पकड़ा, और इस प्रोजेक्ट को पकड़ने के बाद एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम बना करके तैयार किया, और उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम दिया, देखिए हम पढ़ रहे हैं, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम बना करके तैयार किया जिसको नाम दिया उन्होंने यूनिक्स। यूनिप्लेक्स्ड इन्फॉर्मेटिव एंड कंप्यूटिंग सर्विसेज, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना करके तैयार किया। और उस ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था, और इसी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बाद में नाम दे दिया गया UNIX, यूनिक्स के नाम से इस ऑपरेटिंग सिस्टम को पहचाना गया। इस ऑपरेटिंग सिस्टम की खासियत क्या थी? ये ऑपरेटिंग सिस्टम लोगों को फ्री में सोर्स कोड प्रोवाइड करता था, जिस सोर्स कोड को लोग डाउनलोड कर सकते थे, और उस डाउनलोड करने के बाद उसमें चेंजेस करके अपना खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते थे। यूनिक्स के बहुत सारे वर्जन जो हैं मार्केट में आए, और उन्हीं वर्जन में एक वर्जन जो सामने आया वो था आपका लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स का ही एक वर्जन था लिनक्स। मोस्टली लोग कह देते हैं कि जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यूनिक्स से ही पैदा हुआ है। मतलब कहा जाता है कि यूनिक्स इज द पेरेंट ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, कि जो यूनिक्स है वो लिनक्स का पेरेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है। लिनक्स अपने आप में खुद एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब आप यहां से, चूंकि आपके सिलेबस में है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आप सब यहां से लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की हिस्ट्री, अगर आप बोर्ड के पीछे के क्वेश्चन पेपर ओपन करके देखेंगे, तो उसमें आपको मोस्टली टाइम एक क्वेश्चन मिलेगा कि व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, की लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की हिस्ट्री क्या है। तो चलिए, अब हम शुरुआत करते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की हिस्ट्री की, ठीक है ना। तो 1994 के आसपास, 1994 के आसपास एक स्टूडेंट थे जिनका नाम था लाइनस टॉरवाल्ड। लाइनस
स्टूडेंट थे लाइनस टॉरवाल्ड्स, और वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना चाहते थे। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या बनाना चाहते थे, वो अपने एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और उस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए उनको एक ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत थी। तो उन्होंने मार्केट में बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पता किया। तो जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम उस टाइम पर यूज हो रहे थे वो सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज्यादा कॉस्टली थे, मतलब अप्रॉक्स $5,000 के आसपास उस टाइम पे उनकी कीमत हुआ करती थी, और वो उनके बजट में नहीं था कि वो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को खरीद सके। हमारे साथ दुर्गेश सर भी जुड़ गए हैं, गुड इवनिंग सर। बहुत सारे बच्चे हमारे साथ लाइन में लगे जुड़े हुए हैं और सारे बच्चे इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से समझे। बस आपको ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इसको एज ए स्टोरी सुने और बहुत ही इजी वे में आप इसको तैयार कर ले जाएंगे। सिर्फ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन चीजों को आप नोट करते हुए चले। तो मैंने बताया कि लाइनस टॉरवाल्ड जब ऑपरेटिंग सिस्टम खरीदने के लिए मार्केट में गए तो वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे उनके बजट के बाहर थे। तो उस टाइम पर क्या हुआ कि उन्होंने बहुत सारी पढ़ाई की हुई थी, तो उनको यूनिक्स के बारे में पता चला कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम अपने सोर्स कोड को इंटरनेट में फ्री में प्रोवाइड करता है। तो चूंकि उनका बजट बहुत कम था तो इस वजह से उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इस यूनिक्स के सोर्स कोड का यूज करते हुए उसमें खुद के कुछ परिवर्तन चेंजेस करते हुए अपना एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएं। और इसी उसमें लाइनस टॉरवाल्ड ने एक नए ऑपरेटिंग सिस्टम को बना करके तैयार किया जिसका नाम दिया उन्होंने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। और इस ऑपरेटिंग सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत यही थी कि इसका जो सोर्स कोड था, सोर्स कोड का मतलब क्या होता है, सोर्स मतलब उद्गम, जहां से किसी चीज की उत्पत्ति हुई हो। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सोर्स कोड था वो इंटरनेट में फ्री में मौजूद था। कोई भी व्यक्ति नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे इस सोर्स कोड को इंटरनेट से फ्री में डाउनलोड कर सकता था और डाउनलोड करके अपने हिसाब से एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम बना करके तैयार कर सकता था। लाइनस टॉरवाल्ड चूंकि उस टाइम पर, अब ये चीज कैसे भाई, किसी भी चीज को जब हम मार्केट में लॉन्च करते हैं तो उस चीज को मार्केट में लॉन्च करने के लिए उसको हमें लोगों तक पहुंचाना होता है। श्री सेवक सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, थैंक यू सर, गुड इवनिंग। तो उस चीज को हम मार्केट में कैसे पहुंचाते हैं, हम बहुत सारा एडवर्टीजमेंट करते हैं ना भाई, कोई भी प्रोडक्ट है अगर हमें उसे मार्केट में लॉन्च करना है तो हम मार्केट में किसी भी चीज को अगर लॉन्च करना चाहते हैं तो हमें उसका एडवर्टीजमेंट करना होता है ना, कि एडवर्टीजमेंट करें और एडवर्टीजमेंट करके हम उस चीज को मार्केट में लेकर के आए। तो लाइनस टॉरवाल्ड ने एक यही तरीका निकाला था कि अगर हम इसके सोर्स कोड को मार्केट में फ्री में, इंटरनेट में फ्री में प्रोवाइड करा देंगे तो बहुत सारे यूजर इस सोर्स कोड को डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करके अपना जो है क्या कहते हैं कि अपने हिसाब से एक ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार कर लेंगे और उसका यूज कर पाएंगे, ठीक है ना। लेकिन भाई अगर किसी भी चीज को हमने मार्केट में लॉन्च किया है तो उसमें अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उस क्या कहते हैं कि प्रोडक्ट के लिए हमें क्या करना होता है कि कोई भी प्रॉब्लम हुई है तो हमारे पास एक कंपनी होती है कि उस कंपनी के पास जाकर के हम उस प्रोडक्ट की प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। लेकिन चूंकि लाइनस टॉरवाल्ड ने लिनक्स के सोर्स कोड को फ्री में यूज किया था, बहुत सारे लोगों ने उसके सोर्स कोड को फ्री में यूज किया था, तो क्या आप अगर उस ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आएगी तो क्या आप सीधे लाइनस टॉरवाल्ड के पास जाएंगे? भाई इस समय अगर आप लिनक्स के किसी भी सोर्स कोड को इंटरनेट से डाउनलोड कर लें, आपको लैंग्वेजेस का नॉलेज है और आप अपने हिसाब से एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम बना लें, तो क्या अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उस प्रॉब्लम को लेकर के लाइनस टॉरवाल्ड के पास जाएंगे? नहीं ना। तो इस लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे GNU मॉडल आ गए। GNU मॉडल क्या है कि मतलब 1994 के टाइम पर एक फ्री सॉफ्टवेयर का सर्वे हुआ था, मतलब बहुत सारे फ्री सॉफ्टवेयर थे जो कंपनीज को अपनी फैसिलिटी प्रोवाइड कराते थे और वो उन कंपनी के बीच में अपनी पकड़ लाना चाहते थे कि हाँ आप हमारे सॉफ्टवेयर को यूज करिए, फ्री में यूज करिए और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे सॉफ्टवेयर को परमानेंटली आप जो है क्या उस सॉफ्टवेयर को यूज करिए। तो इसी दौड़ में बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स के वर्जन, जैसे उनमें से एक था रेड हैट लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, इसी में एक था फेडोरा, इसी में एक था डेबियन, इसी में एक था उबंटू, एक है काली। तो इस तरीके से बहुत सारे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के जो वर्जन है, मतलब ये जैसे रेड हैट है, फेडोरा है, डेबियन है, उबंटू है, काली है, आपने उबंटू का भी नाम सुना होगा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम समझ लीजिए कि वर्ल्ड में नंबर 3 में यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है, कि सबसे ज्यादा जो है अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा है, अनुराग 9th A प्लस जो चैनल के मेंबर भी हैं उनका वेलकम है,
आप चैनल से जुड़े हुए हैं, थैंक यू। तो ये वो कंपनीज हैं जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं। मतलब आप रेड हैट की अगर बात करते हैं तो जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन है वो है रेड हैट का वर्जन। रेड हैट सबसे ज्यादा यूज होता है और आपके सिलेबस में भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के रेड हैट वर्जन की बात की गई है। तो यहां पर जो भी आप फंक्शन पढ़ेंगे वो सारे के सारे फंक्शन रेड हैट से जुड़े हुए होंगे। देखिए बहुत सारे बच्चों को बोरिंग लग रहा होगा कि अगर वो टॉपिक उनके कोर्स सिलेबस में नहीं है तो हो सकता है कि उनको ये लग रहा होगा कि ये उनके लिए चीजें नहीं है, लेकिन क्या कहते हैं कि उस चीज को आपको बताना है। यूनिक्स का पूरा नाम देखिए, यूनिक्स का पूरा नाम होता है यूनिप्लेक्स्ड, मैं लिख देता हूं नीचे, यूनिप्लेक्स्ड इंफॉर्मेटिव, इंफॉर्मेटिव एंड कंप्यूटिंग सर्विसेज, ये आपका यूनिप्लेक्स यूनिक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स का नाम होता है UNICS और इसी यूनिक्स को बाद में CS हटा करके X कर दिया गया, यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेटिव एंड कंप्यूटिंग सर्विसेज, ये आपका यूनिक्स का पूरा नाम होता है, ठीक है ना। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि रेड हैट की लग रहा होगा कि हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी आप इस टॉपिक को पढ़ें, बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेंगी जो आपको कॉम्पिटिशन लेवल पर आपकी हेल्प करेंगी। तो यहां पर हम जिस लिनक्स के वर्जन की बात करेंगे वो आपका होगा रेड हैट वर्जन। अब देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, हम बहुत देर से बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पढ़ाया जाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम नाम की कोई चीज होती है, ठीक है ना। तो अभी ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या आखिरकार, तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनता है कर्नल प्लस GNU इज इक्वल टू ऑपरेटिंग सिस्टम, कि जब कर्नेल और GNU आपस में मिल जाते हैं तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनता है। अब आपके सामने एक नया वर्ड आया है, दैट इज कर्नेल। इस वर्ड को बहुत ही बारीकी से समझेंगे क्योंकि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो कर्नेल है वो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब ये कर्नेल क्या है, देखिए एक नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि द मेन पार्ट ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड, तो उसका आंसर होता है कर्नल, ठीक है ना। अब ये कर्नल है क्या, बहुत देर से मैं आपसे बात कर रहा था सोर्स कोड, तो ये जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सोर्स कोड है दैट इज कॉल्ड कर्नल। मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनने के लिए सोर्स कोड और GNU की मैंने बात की थी, मैंने बताया था जनरल पब्लिक लाइसेंस, GNU का फुल फॉर्म क्या होता है, जनरल पब्लिक लाइसेंस इसको, और ये GNU फ्री सॉफ्टवेयर का एक सर्वे था जिसमें जो क्या जिसमें बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम और सोर्स कोड मिलकर के क्या बनाते थे, एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते थे। आप विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम भी देखते हैं तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम में सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होता है, उसका एक सोर्स कोड होता है और बहुत सारे अदर सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन मिलकर के क्या बनाता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है। प्रतिभा मैम नमस्ते, मैम ऋषभ जी गुड इवनिंग, सूरज दीक्षित सर वेलकम, आप सब लोगों का बहुत स्वागत है चैनल से जुड़ने के लिए। तो यहां पर जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेन पार्ट है उसको हमने क्या नाम दिया है, कर्नल नाम दिया है, और कर्नल के साथ GNU बहुत सारे अदर सॉफ्टवेयर मिल करके जो एक फुल पैकेज बनाते हैं दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको हमने क्या नाम दिया है, ऑपरेटिंग सिस्टम नाम दिया है। देखिए लिनक्स के फीचर्स की बात करते हैं कि लिनक्स के फीचर क्या क्या होते हैं, मतलब हमने हिस्ट्री जानी लिनक्स की कि लिनक्स को जो बनाने वाले स्टूडेंट थे उनका नाम क्या था, लाइनस टॉरवल्ड LINUS, और उनके नाम में एस हटा करके अंशु मैम गुड इवनिंग मैम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की मैं बात कर रहा था, कर्नल और GNU, कर्नल का मतलब सोर्स कोड, जो सोर्स कोड होता है दैट इज कॉल्ड कर्नल, और GNU का मतलब क्या है, जनरल पब्लिक लाइसेंस। एक सर्वे हुआ था 1994 के आसपास जिसमें फ्री सॉफ्टवेयर, बहुत सारे फ्री सॉफ्टवेयर थे जो अपनी फैसिलिटी किसी कंपनी को फ्री में प्रोवाइड करते थे, किस लिए, ताकि कोई भी कंपनी उनके सॉफ्टवेयर को यूज करे और अगर वो सॉफ्टवेयर उनके लिए कंपेटिबल है तो वो कंपनी उस सॉफ्टवेयर को परमानेंटली यूज करे। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर और कर्नल करके एक फुल पैकेज बनाते हैं जिसको हम क्या नाम देते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम नाम देते हैं। अब हम लिनक्स की फीचर की बात करते हैं कि हमें लिनक्स की जरूरत क्यों है, जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज फीचर्स ऑफ लिनक्स। हम लिनक्स के फीचर्स की बात करते हैं, देखिए जो लिनक्स का सबसे पहला फीचर है दैट इज मल्टी यूजर कॉमा टास्किंग,
मल्टी यूजर एंड मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आप बहुत ही ध्यान से समझेंगे, मल्टी यूजर और टास्किंग। मल्टी मतलब होता है एक से ज्यादा, और यूजर का मतलब होता है उपयोगकर्ता। मतलब लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में एक से ज्यादा उपयोगकर्ता एक समय में जुड़ करके अपने अपने काम कर सकते हैं। अब आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर ये काम तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में भी हो जाता है, तो हम लिनक्स ही क्यों यूज करें? तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है, आप एक लिमिट, आपकी एक लिमिट है कि सिर्फ इतने ही यूजर जुड़ सकते हैं, लेकिन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई भी लिमिट नहीं है। जैसे इसीलिए आजकल लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज जो है वो वर्ल्ड वाइड विंडो के कंपैरिजन में बढ़ता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि किसी ऑफिस में नंबर ऑफ मेंबर्स लिमिटेड नहीं होते हैं, बहुत सारे मेंबर्स होते हैं और उन सबको एक सर्वर के थ्रू जोड़ा जाता है। ऐसे में जो ऑपरेटिंग सिस्टम इजीली हेल्प करता है, दैट इज लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। वो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। कर्नल, सुमन गुप्ता बोल रही हैं, प्लीज रिपीट कर्नल। कर्नल के बारे में पूछ रही हैं, तो अगर हम कर्नल को डिफाइन करना चाहें तो कर्नल इज द कोर प्रोग्राम ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद द यूजर, इट इज कनेक्टेड विद द मशीन। कि ये कर्नल लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कोर पार्ट होता है। ये किसी भी उपयोगकर्ता से डायरेक्ट ना जुड़ करके कंप्यूटर की मशीनी भाग के साथ जुड़ा होता है। अभी एक कंप्यूटर की मशीनी भाग से जुड़ा होता है कि डायरेक्टली कनेक्टेड विद द मशीन, इसका अर्थ क्या है? ऐसा मैंने क्यों कहा है, ये भी मैं भी आपको क्लियर करूंगा। एक एक चीज के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं और हर चीज आपको क्लियर करते हुए चलूंगा। तो मल्टी यूजर मतलब एक साथ बहुत सारे यूजर जुड़ते हैं और अपने अपने काम करते हैं। एक सीपीयू बनाया जाता है, उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जो हार्ड डिस्क होती है वो भी सिंगल होती है, और उस एक सर्वर सीपीयू से बहुत सारे यूजर्स आपस में जोड़ दिए जाते हैं। उनके अपने कीबोर्ड होते हैं, उनका अपना मॉनिटर होता है, और वो हर कंप्यूटर पे अलग अलग बैठ करके अपना काम करते हैं। दैट इज कॉल्ड मल्टी यूजर। इसी ट्रिक को क्या कहा गया है? मल्टी यूजर कहा गया है। मल्टी टास्किंग, एक साथ एक से ज्यादा काम करना। जब भाई अलग अलग यूजर अलग अलग कंप्यूटर पे बैठे हैं तो सारे यूजर एक सीपीयू का यूज करते हुए अपने अलग अलग कामों को कर सकते हैं। तो इस वजह से इसको मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा गया। ये काम सारे विंडो में भी होते हैं, लेकिन विंडो में एक लिमिटेशन होती है कि सिर्फ इतने यूजर ही जुड़ सकते हैं, इससे ज्यादा यूजर नहीं जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये पहला फीचर हुआ मल्टी यूजर एंड मल्टी टास्किंग। देखिए दूसरा इसका फीचर है सिक्योर्ड, सिक्योर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। सिक्योर्ड का मतलब क्या है कि सिक्योर्ड सुरक्षित। सबसे पहला ये सुरक्षित होता है वायरस से। शिवम निगम सर जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग सर। जो वायरस फ्री मतलब लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को कहा जाता है कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज वायरस फ्री। बहुत बड़ी बात है कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में वायरस का अटैक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? अभी मैं आपसे बात कर रहा था कर्नल की, ठीक है ना। और कर्नल की डिफिनेशन में मैंने क्या बताया था कि इट इज द कोर प्रोग्राम ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, डायरेक्टली कनेक्टेड विद द मशीन, नॉट विद द यूजर। यूजर के साथ कनेक्ट नहीं होता है, मशीन के साथ कनेक्ट होता है। अब ये मशीन और यूजर में अंतर समझिए। यूजर, आप यूजर हैं, आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं, आप इंटरनेट यूजर हैं, आप अपने कंप्यूटर पर बैठे हुए हैं, तो आप इंटरनेट का यूज करते हैं, जो चीज आप ओपन कर रहे हैं वो ओपन कर रहे हैं। इंटरनेट के साथ बहुत सारे मालवेयर भी चलते रहते हैं, मतलब जो वायरसेस होते हैं वो इंटरनेट में ही तो मौजूद होते हैं, और वो इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर में आ जाते हैं। अब आपके कंप्यूटर में आए, चूंकि विंडो जो होता है दैट इज विंडो इज नॉट कनेक्टेड विद द मशीन, विंडो मशीन से ना कनेक्ट होकर के कनेक्टेड विद द यूजर। किससे कनेक्ट होता है? यूजर से कनेक्ट होता है। यूजर ने जो डेटा इंटरनेट से लिया, उस डेटा में कोई करप्ट फाइल आ गई, उस करप्ट फाइल में वायरस था, वो वायरस आपके कंप्यूटर में आ गया, और वो धीरे धीरे करके आपके कंप्यूटर की सारी फाइल में पहुंच जाता है, और आपकी सारी फाइल को क्या कर देता है? बेकार कर देता है। और एक समय ऐसा आता है कि आपका कंप्यूटर की विंडो करप्ट हो जाती है, काम करना बंद कर देती है। लेकिन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जब कोई वायरस एंटर करता है, तो वायरस एंटर करने पर जो कर्नेल होता है उस वायरस को पहचान करके एक फोल्डर में सीमित कर देता है। मतलब उस फोल्डर से वो वायरस बाहर नहीं निकल सकता है, जैसे विंडो में वो वायरस फैल गया बाकी फोल्डर्स में, लेकिन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में वो वायरस फैलता नहीं है, वो उसी विंडो उसी फोल्डर के अंदर रह जाता है, और आप उस फोल्डर को क्या कहते हैं, उस फोल्डर में रह जाता है, और आप उस फोल्डर को डिलीट कर सकते हैं, और डिलीट करके वायरस को अपने कंप्यूटर से हटा सकते हैं। ये सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई। दूसरा कि भाई जब हम विंडो में वायरस आता है तो उस वायरस से बचने के लिए हम क्या करते हैं? एंटीवायरस देते हैं। एंटर की क्या कहते हैं कि जो एंटीवायरस होता है जब वो हमारे कंप्यूटर पे आते हैं, तो ये भी एक हैवी प्रोग्राम होते हैं। आपके कंप्यूटर में बहुत सारे स्पेस ढूंढते हैं, और
स्पेस ढूंढने के साथ साथ आपके कंप्यूटर की जो वर्किंग स्पीड होती है उसको क्या कर देते हैं, स्लो कर देते हैं। लेकिन लिनक्स में जब वायरस का अटैक ही नहीं हो पा रहा है तो किसी भी एंटीवायरस की जरूरत नहीं है, और एंटीवायरस की जब जरूरत नहीं है तो आपका कंप्यूटर जो है वो उसकी स्पीड प्रॉपर मेंटेन रहती है और आपके सिस्टम की वर्किंग जो होती है वो बहुत अच्छी बनी रहती है। सिक्योर्ड के साथ साथ एक चीज कह दिया गया, फ्री ऑफ कॉस्ट। जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका सोर्स कोड आप इंटरनेट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब किसी भी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम को आप डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। अभी मैंने जैसे बात की थी कि लिनक्स के बहुत सारे वर्जन है, रेड हैट है, डेबियन है, फेडोरा है, उबंटू है, काली है, ये मैंने अभी बात की थी ना लिनक्स के फीचर्स की। तो भाई ये रेड हैट का लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंटरनेट से फ्री में डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। जो आप लिनक्स का फ्री वर्जन डाउनलोड कर रहे हैं उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप किसके पास जाएंगे, किसी के भी पास नहीं जा सकते हैं, चूंकि आपने उसको फ्री में डाउनलोड किया है। लेकिन जब आप रेड हैट के लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को परचेज करते हैं और उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आपके पास एक कंपनी है, उसका नाम है रेड हैट। आप रेड हैट के कस्टमर पे कॉल करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हैं। जैसे विंडो में अगर आपके पास प्रॉब्लम आती है तो आप किससे कांटेक्ट करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट से, ना कि बिल गेट्स से कांटेक्ट करेंगे, जाकर के माइक्रोसॉफ्ट से कांटेक्ट करेंगे। देखिए बच्चों, आप सब जो है इस लाइव क्लास से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आज की ये लाइव क्लास हिट होती है ना, हिट ही कहा जाएगा, तो आगे से आपको नाइट में इसी तरीके से लाइव क्लास मिलती रहेंगी। आप कॉलेज आना आपने शुरुआत कर दी है, कुछ बच्चे कॉलेज आ रहे हैं, मतलब सारी गाइडलाइंस को फॉलो किया जा रहा है, फिर इसके बाद भी जो है क्या कहते हैं कि आपको लाइव क्लास भी प्रोवाइड की जा रही है, तो आप इस लाइव क्लास से जुड़े। देखिए ये शाम का समय है, टीवी में बहुत सारे अदर कार्यक्रम, तो ये 6 महीने से आप कर क्या रहे हैं, 6 महीने से आप टीवी तो देख रहे हैं, आप मोबाइल ही तो देख रहे हैं, है ना। तो अब कुछ समय बचा हुआ है आपकी पढ़ाई के लिए, तो कम से कम उस पढ़ाई में आप अपना समय दे दीजिए, क्योंकि अभी भी देख रहे हैं कि कुछ बच्चे कॉलेज आ रहे हैं लेकिन उनको कंप्यूटर की क्लास नहीं मिल रही है। तो कम से कम इसी माध्यम से आप अपने टॉपिक तैयार करते रहेंगे, और जब हम क्लास में मिलेंगे और इन टॉपिक की बात करेंगे तो जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी वो प्रॉब्लम आपकी जरूर सॉल्व की जाएगी, ठीक है ना। अपना फीडबैक देते रहें, अपना कमेंट देते रहें कि आपको नाइट की लाइव क्लास चाहिए कि नहीं चाहिए। आप अगर चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके बताएं कि यस सर हमें लाइव क्लास रात की चाहिए, आपको सारे सब्जेक्ट्स की नाइट क्लास भी प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है ना। तो हम बात कर रहे थे फ्री ऑफ कॉस्ट, जो रेड हैट है, जो डेबियन है, जो फेडोरा है, ये सब क्या अलग अलग कंपनी है, इनके ऑपरेटिंग सिस्टम आप परचेज करेंगे तो जो भी प्रॉब्लम होगी उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया जाएगा, ठीक है ना। ऋषभ जी की क्लास भी बहुत ही जल्दी होगी, बहुत दिन से जो है लोगों के कमेंट आ रहे हैं, बच्चा एक बहुत ज्यादा ऋषभ जी की डिमांड कर रहा है, तो बहुत जल्दी ऋषभ जी की क्लास जो है वो भी होगी, ठीक है ना। और नाइट में ही होगी उनकी जो लाइव क्लास है, वो नाइट में ही करवाई जाएगी ताकि आप सुकून से पढ़ पाए। तो हम इस तरीके से समझवाए, तो फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब क्या है कि लिनक्स के सोर्स कोड को आप फ्री ऑफ कॉस्ट में डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आपके लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ क्या हैं, फीचर्स हैं। एक फीचर और होता है जिसको कहा जाता है वर्चुअल मेमोरी। देखिए बहुत ही आसानी से इसको आप समझेंगे। आप सब एंड्रॉयड मोबाइल फोन का यूज करते हैं, एंड्रॉयड मोबाइल फोन जो आजकल आप यूज करते हैं इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो विंडो बेस्ड नहीं होता है, आपका वो ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स बेस्ड होता है। कौन सा बेस्ड होता है, लिनक्स बेस्ड। कि आजकल के जो एंड्रॉयड फोन होते हैं उनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लिनक्स बेस्ड होता है। तो वर्चुअल मेमोरी, आपने देखा होगा कि आजकल मोबाइल में आपको एक डबल स्पेस मिलने लगा है, ठीक है ना। अमन बंसल, आई एम रेडी फॉर द नाइट लाइव क्लास। बहुत सारे बच्चे ने कहा है कि सर हमको नाइट में लाइव क्लास चाहिए। और देवराज सिंह पूछ रहे हैं दोबारा, सर आपको क्या पूछना है बताएंगे। सुमन गुप्ता, यस नाइट लाइव क्लास वेरी गुड टाइम, सही बात बोल रहे हैं आप। आयुष वर्मा, वो भी नाइट में लाइव क्लास के लिए बोल रहे हैं। कुशाग्र अनुभव, हर्षित वर्मा, विजय, सब लोगों नाइट, ठीक है, ऐसे ही कमेंट करके बताते रहिए। जितने ज्यादा से ज्यादा आप कमेंट करेंगे आपको नहीं बल्कि दो दो गैलरी होती हैं। आप अपने मोबाइल पर क्या कहते हैं कि एक साथ दो दो एप्लीकेशन, सेम एप्लीकेशन का दो दो जगह यूज कर सकते हैं। एक आपका दूसरे स्पेस में होता है, जैसे गैलरी है, आपको दो जगह गैलरी मिल जाती है। तो वर्चुअल स्पेस मतलब, वर्चुअल मतलब होता है काल्पनिक, मतलब एक काल्पनिक स्पेस आप बना लेते हैं। उसी तरीके से लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपको एक वर्चुअल मेमोरी प्रोवाइड करता है। कि आपके पास 500 GB की हार्ड डिस्क है तो आप उस 500 GB की हार्ड डिस्क का यूज एज अ वर्चुअल मेमोरी भी कर सकते हैं, डबल स्पेस के रूप में, कि आप अपने डेटा को वर्चुअल मेमोरी में प्लेस करा सकते हैं
और अपनी ओरिजिनल मेमोरी को आप फ्री कर सकते हैं। तो दीज आर द सम फीचर्स प्रोवाइडेड बाय द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इन फीचर्स को आप बाय हेडिंग याद रखेंगे कि मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, इट्स अ मल्टीटास्किंग आल्सो, सिक्योर्ड। व्हाई सिक्योर्ड? बिकॉज देयर इज नो इफेक्ट ऑफ वायरसेस, कि वायरस का इफेक्ट नहीं होता है, इस वजह से आपका कैसा है, सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम है, फ्री ऑफ कॉस्ट। वी कैन डाउनलोड इट फ्रीली फ्रॉम द इंटरनेट, दैट्स व्हाई इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड वर्चुअल मेमोरी, कि वी कैन यूज इट्स मेमोरी जस्ट लाइक अ वर्चुअल मेमोरी, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो अ वेरी गुड ऑपरेटिंग सिस्टम इन कंपेरिजन टू विंडो। ठीक है ना? अनु सिंह कह रहे हैं ग्रेट एनर्जी, ये कॉलेज की एनर्जी है। थैंक यू रूबी राठौर मैम है, रूबी राठौर मैम, गुड इवनिंग मैम। ठीक है, तो ये आपके फीचर्स ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम थे। ठीक है, अब इस टॉपिक में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब और आगे की चीजें जानते हैं कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरफेस क्या है। ठीक है ना? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग, इंटरफेस ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरफेस क्या होते हैं? तो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, वो हमेशा दो इंटरफेस में काम करता है। पहला इंटरफेस इज कॉल्ड CLI एंड द सेकेंड इज कॉल्ड GUI। टेंथ के बच्चे शायद इसका पूरा नाम जान रहे होंगे, बताएंगे टेंथ के स्टूडेंट जो जुड़े हुए हैं कि CLI और GUI का फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए आप कमेंट करके बताइए, हम वेट कर रहे हैं। टेंथ क्लास के बच्चे जो कंप्यूटर पढ़ रहे हैं या फिर जो बच्चे ऐसे हैं जो कंप्यूटर पढ़ चुके हैं वो जुड़े हुए हैं, तो वो कमेंट करके बताएं जल्दी से कि CLI और GUI का फुल फॉर्म क्या होता है, फिर मैं आगे आपसे बात करूं। जैसे बहुत सारे बच्चे कोई प्रॉब्लम्स अपनी पूछ रहे हैं, अगर वो वीडियो ये अपलोड भी होगी, आप इस वीडियो को दोबारा देखेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है ना? आप व्हाट्सएप नंबर भी अभी मैं आपको बताऊंगा, तो आप उस पर कमेंट फोन करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं। पुष्पा मैम, अच्छा पुष्पा वर्मा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI के लिए, सौरभ कुमार ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, अंश बंसल ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, आयु शर्मा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है, ठाकुर नितेश सिंह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने GUI का पूरा नाम बताया है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अपूर्व शुक्ला कह रहे हैं सर कर्नल एंड शेल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सही बोल रहे हैं भैया। अमन मंसल ने बताया है कमांड लाइन इंटरफेस, योगेंद्र सिंह ने बताया कमांड लाइन इंटरफेस, अरविंद कुमार कमांड लाइन इंटरफेस, पुष्पा वर्मा बता रही कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। नहीं बेटा, कमांड लाइन इंटरफेस, कमांड और कैरेक्टर दोनों में अंतर बताता हूं क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो CLI का पूरा नाम होता है कमांड लाइन इंटरफेस। तो CLI और GUI किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के दो इंटरफेस, मैंने बात की CLI और GUI, कमांड लाइन इंटरफेस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब हम बात करते हैं कि ये CLI और GUI आखिरकार है क्या। देखिए, सबसे पहले आप समझिए GUI को, क्योंकि आप सबने GUI को देखा हुआ है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आप सबने विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम किया है और आपके पास मोबाइल फोन भी होते हैं, तो आप देखते हैं कि उस मोबाइल फोन में या फिर कंप्यूटर में जिसमें विंडो पड़ी हुई है, तो उसमें बहुत सारे आइकन्स होते हैं, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। आप राइट क्लिक करते हो, आपको न्यू ऑप्शन मिलता है, न्यू फोल्डर क्लिक करते हो, आपका फोल्डर बन करके आपके स्क्रीन के सामने आ जाता है। मतलब आप जो भी काम कर रहे हो वो ग्राफिकली आइकन ऑप्शन ड्रॉप डाउन मेन्यूज मौजूद हैं, आप उनको सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के साथ आप उन पर काम कर सकते हैं। इसी वजह से मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट पे काम करना आसान होता है, क्योंकि आप जो भी काम कर रहे होते हैं वो सारा का सारा आपको विद आइकन विद सिंबल मिल रहा होता है। आप उन सिंबल्स को सिलेक्ट करते हैं, भाई आपको कॉपी करना है, अगर आपको कॉपी करने की शॉर्टकट की नहीं पता है तो आप कैसे कॉपी करेंगे। आप डेटा सेलेक्ट करेंगे जो आपको कॉपी करना है, आप एडिट ऑप्शन पे जाएंगे, एडिट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन मेनू खुल करके आएगा, उसमें से आप कॉपी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। अब आप अपने कर्सर को उस जगह पर प्लेस करेंगे जहां पर आपको डॉक्यूमेंट को या डेटा को पेस्ट करना है। आपको पेस्ट की शॉर्टकट की नहीं पता है, आप फिर से एडिट ऑप्शन पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन मेनू खुल करके आएगा, पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपका डेटा उस जगह पर प्लेस हो जाएगा जिस डेस्टिनेशन में आप उस डेटा को चाहते थे। मतलब हर चीज के लिए जो कमांड थी वो पहले से ही मौजूद थी, आपको कोई कमांड याद करने की जरूरत
जरूरत नहीं थी। आपको माई कंप्यूटर ओपन करना है, कमांड नहीं देने की जरूरत है, आपके पास माई कंप्यूटर का आइकन मौजूद है। आपको किसी ड्राइव में जाना है, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, आपको कमांड देने की जरूरत नहीं है, आपको आपके पास आइकन मौजूद है, आप उस आइकन पे क्लिक करेंगे, आपकी वो ड्राइव ओपन होकर के आ जाएगी। आपको फेसबुक ओपन करना है ग्राफिकल मोड में, आपको कमांड देने की जरूरत नहीं है, आप फेसबुक पे आइकन पे क्लिक करेंगे, फेसबुक ओपन हो जाएगा। आपको व्हाट्सएप यूज करना है, कमांड नहीं देना है, आइकन पे क्लिक किया, ओपन हो गया। सो दिस इज कॉल्ड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसको हमने क्या कहा है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहा है। तो ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सारे ऑपरेटिंग सिस्टम फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं ग्राफिकल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की। लेकिन लिनक्स के बहुत सारे ऐसे वर्जन हैं जो आपको ग्राफिकली काम करने की सुविधा प्रदान नहीं करते हैं, वो आपको सिर्फ एक ही इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड CLI, कमांड लाइन इंटरफेस। कि वहां पर अगर आपको कोई भी काम करना है तो उसके लिए आपको कमांड का नॉलेज होना जरूरी है। अब आप कहेंगे कि सर कमांड करना बहुत मुश्किल काम है, CLI क्यों बहुत ज्यादा इफेक्टिव है? पहली चीज तो ये होती है कि जो CLI मोड होता है वो रिसोर्स हंग्री नहीं होता है। इस वर्ड को बहुत ही अच्छे से याद रखेंगे बच्चों, आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है, रिसोर्स हंग्री। रिसोर्स हंग्री, रिसोर्स मतलब क्या होता है? संसाधन, और हंग्री मतलब भूखा, मतलब संसाधनों की भूख। ये संसाधनों की भूख क्या है अभी बताऊंगा, ठीक है ना? चलिए, तो दो तरीके के इंटरफेस हैं, पहला है CLI और दूसरा है GUI। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम विच प्रोवाइड अस द फैसिलिटी ऑफ बोथ इंटरफेसेस, द CLI कमांड लाइन इंटरफेस एज वेल एज GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। दोनों तरह की हमें इंटरफेस प्रोवाइड करेगा, CLI का भी और GUI का भी। आप विंडो में भी ये काम करते हैं, आप कमांड प्रॉम्प्ट में जाते हैं, कैसे पहुंचना है, विंडो की बटन प्रेस करिए कीबोर्ड से और R वाली बटन प्रेस करिए, ये शॉर्टकट, दिस इज द शॉर्टकट की ऑफ रन। ये किसकी शॉर्टकट की है? रन की। आप विंडो R प्रेस करेंगे, एक डायलॉग बॉक्स खुल करके आएगा, वहां पर एक कमांड आप टाइप करेंगे CMD, और CMD टाइप करते ही जैसे आप इंटर बटन प्रेस करेंगे आपके कंप्यूटर पे कमांड प्रॉम्प्ट, एक ब्लैक स्क्रीन खुल करके आ जाएगी। वहां पर ना तो आपको कोई आइकन मिलेगा, ना ही कोई सिंबल मिलेगा, आप सिर्फ और सिर्फ कमांड के थ्रू ही वहां पर काम कर पाएंगे। मतलब अगर आपको एग्जिट भी करना है कमांड प्रॉम्प्ट से, तो अगर आपको कमांड नहीं पता है, सो यू कैन नॉट एग्जिट, आप एग्जिट नहीं कर सकते हैं। फिर आपको कंप्यूटर को अपने शटडाउन ही करना पड़ेगा, क्योंकि जब पता ही नहीं है तो हम शटडाउन बटन दबाएं, सीधे CPU का बंद हो जाएगा, काम खत्म, फिर से यूजर इंटरफेस में खुलेगा, ठीक है ना? तो आपके जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में मैंने बताया कि बहुत सारे वर्जन हैं जो ग्राफिकली इस ग्राफिकल और CLI दोनों तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे ऐसे वर्जन भी हैं जो मोस्ट पॉपुलर हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपको कमांड लाइन इंटरफेस ही प्रोवाइड करते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड नहीं करते हैं, ठीक है ना? तो अब हम बात करते हैं CLI और GUI में दोनों में अंतर क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि CLI और GUI में अंतर की, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन CLI एंड GUI। तो मैंने अभी एक वर्ड बात की, रिसोर्स हंग्री। इस रिसोर्स हंग्री, यही जो रिसोर्स हंग्री वर्ड है, दोनों में आपको अंतर स्पष्ट करा देगा कि रिसोर्स हंग्री का मीनिंग क्या होता है। मैंने बताया था संसाधनों की भूख। सबसे पहले हम बात करते हैं GUI की, कि जब आपका इंटरफेस कैसा है, ग्राफिकल है, तो ग्राफिकल इंटरफेस अगर ब्लैक एंड व्हाइट हो तो क्या आपका अच्छा लगेगा? क्या नहीं अच्छा लगेगा? आप भाई आजकल जो भी मूवी आप प्रोग्राम जो भी देखते हो, अगर आपको ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई जाए, क्या आपको अच्छे लगेंगे? नहीं अच्छे लगेंगे। आपको एक मतलब कलर डिस्प्ले अच्छा लगता है, तो भाई जब कलर डिस्प्ले आपको देखना है तो उसके लिए क्या हो गया कि उसकी कीमत भी तो बढ़ गई। तो यही कहलाता है रिसोर्स हंग्री की। जब आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस चाहिए, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होने के लिए आपके पास एक बहुत ही अच्छे ग्राफिकल रिजोल्यूशन की आपके पास स्क्रीन होनी चाहिए, एक मॉनिटर होना चाहिए जिसका ग्राफिकल रिजोल्यूशन बहुत अच्छा हो। साथ साथ में चूंकि बहुत सारे आइकन, बहुत सारे सिंबल हैं, तो आपके कंप्यूटर पे उन आइकन और सिंबल्स ऑप्शन को स्टोर करने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में आपके पास मेमोरी स्पेस का होना भी जरूरी है। और साथ साथ में जब आप बहुत सारे आइकन सिंबल का यूज कर रहे हैं, तो आपके की प्रोसेसिंग को फास्ट करने के लिए एक हाई स्पीड का माइक्रो प्रोसेसर भी होना जरूरी है। अगर ये चीजें नहीं होंगी, अगर आपका इंटरफेस ग्राफिकल है लेकिन आपके पास मेमोरी स्पेस नहीं है, आपके पास हाई रिजोल्यूशन की स्क्रीन नहीं है, और आपके पास हाई स्पीड ऑफ प्रोसेसर नहीं है, तो आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। मतलब वो हैंग होकर के चलेगा और आपको काम करने में मजा नहीं आएगा। इस वजह से कहा गया कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इज रिसोर्स हंग्री। कैसा होता है? रिसोर्स हंग्री होता है, इसको संसाधनों की भूख होती है। यही चीज CLI में जस्ट अपोज होती है कि CLI इज नॉट रिसोर्स हंग्री। CLI जो है वो रिसोर्स हंग्री नहीं होता है। क्यों? क्योंकि CLI पे किसी भी आइकन या ऑप्शन हमें नहीं दिखाई देते हैं। वहां पर हमें काम करने के लिए किसकी जरूरत होती है? सिर्फ और सिर्फ कमांड की जरूरत होती है, और कमांड टाइप करने के लिए हमें ना तो एक कलरफुल डिस्प्ले की जरूरत है, ना ही हमें
हमें किसी आइकन की जरूरत है, बस हमें जरूरत किस चीज की है कि हमें कमांड याद हो और हम बस उस कमांड के थ्रू अपने डेटा को इनपुट करें और हमें जो आउटपुट मिलना है वो आउटपुट मिल जाए। तो जब सिर्फ कमांड की ही जरूरत है तो हमें ना तो एक हाई स्क्रीन ऑफ हाई रिजोल्यूशन ऑफ स्क्रीन की जरूरत है, ना ही हमें हाई स्पेस ऑफ मेमोरी की जरूरत है, ना ही हमें हाई स्पीड ऑफ प्रोसेसर की जरूरत है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड दैट सीएलआई इज नॉट रिसोर्स हंग्री, कि सीएलआई रिसोर्स हंग्री नहीं होता है। तो पहला डिफरेंस दोनों में क्या हुआ सीएलआई और जीयूआई में, कि सीएलआई रिसोर्स हंग्री नहीं होता है जबकि जीयूआई रिसोर्स हंग्री होता है। रिसोर्स हंग्री का मतलब सीएलआई में काम करने स्पीड ऑफ प्रोसेसर, हाई स्पेस ऑफ मेमोरी और हाई स्पीड हाई रिजोल्यूशन ऑफ स्क्रीन की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जीयूआई में काम करने के लिए हाई स्पीड ऑफ प्रोसेसर, हाई स्पेस ऑफ मेमोरी एंड हाई रिजोल्यूशन ऑफ स्क्रीन की जरूरत है। दैट्स व्हाई जीयूआई रिसोर्स हंग्री, इस वजह से जो जीयूआई होता है वो क्या होता है रिसोर्स हंग्री होता है। तो ये बच्चों पहला डिफरेंस है सीएलआई और जीयूआई में, ठीक है ना। दूसरा डिफरेंस क्या है कि जीयूआई पे काम करने के लिए हमें किसी भी कमांड की जरूरत नहीं है। OP824 कुमार सर, कमल गुप्ता सर की क्लास लगता है नहीं मिलेगी, अब चैनल लिफ्ट कर दूंगा। नहीं भैया, चैनल ना लिफ्ट करिए, आपकी रिक्वेस्ट डेली पहुंच रही है, टाइम टेबल बना हुआ है, बस उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप बहुत जल्दी ही ऋषभ सर जो है आपके सामने किसी दिन हाजिर होने वाले हैं और आपकी सारी जितनी भी दुविधाएं हैं सब वो सॉल्व करेंगे आकर के, कोई आए या ना आए लेकिन आप जरूर आइएगा उस दिन चैनल पे। और भी बहुत सारे बच्चे सर कल कॉलेज आएंगे आप, भैया कॉलेज तो रोज आ रहे हैं। हिमांशु मौर्य, बीपीक्यू का फुल फॉर्म, यार ये टॉप किस टॉपिक से रिलेटेड है, चलिए अभी हम आपको बताते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो आगे हम बात किसकी बात कर रहे थे, इसके डिफरेंस की, सीएलआई और जीयूआई। सीएलआई का बताया कि सीएलआई जो होता है वो रिसोर्स हंग्री नहीं होता है और जीयूआई जो होता है वो रिसोर्स हंग्री होता है। जो दूसरा इसका डिफरेंस है कि जीयूआई में किसी भी मतलब डेटा को पहचानने के लिए या कोई भी काम करने के लिए हमारे पास बहुत सारे आइकन्स होते हैं, मतलब हमें किसी भी कमांड को याद करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन सीएलआई में हमें अगर कमांड का नॉलेज नहीं है तो हम कोई भी काम आसानी से नहीं कर सकते हैं। तो दोनों में दूसरा अंतर क्या है कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे काम करने के लिए हमें कमांड्स की आवश्यकता नहीं है, और जबकि सीएलआई पे काम करने के लिए हमें कमांड का नॉलेज होना जरूरी है। तो दीज आर द टू मेजर डिफरेंस बिटवीन सीएलआई एंड GUI, कि CLI is not resource hungry and GUI is resource hungry, and the second is we don't have to learn any command in graphical user interface, but if we want to work in CLI mode then we must have to learn lots of command, हमें बहुत सारी command का knowledge होना जरूरी होता है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं interface के बाद, Linux interface के बाद हम बात करते हैं कि parts of Linux operating system, parts of Linux, Linux के part कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला part है that is called kernel, दूसरा जो part होता है that is called shell and the third is applications। ये Linux के part होते हैं, कर्नल, सेल और एप्लीकेशंस, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले कर्नल की बात करते हैं कि कर्नल क्या है। तो मैंने अभी आपको कर्नल की डिफिनेशन बताई थी कि द कोर प्रोग्राम ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड कर्नल। बच्चों इस चीज को आप वीडियो अपलोड होने के बाद नोट जरूर कर लेंगे, ठीक है ना, कि कर्नल इज द कोर पार्ट ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द यूजर, इट टोटली कनेक्टेड विद द मशीन, कि ये किस पे कनेक्ट होता है, मशीन से कनेक्ट होता है, ठीक है ना। तो दिस इज कॉल्ड कर्नल, कि कर्नल लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कोर प्रोग्राम होता है या उपयोगकर्ता से न जुड़ करके ये किससे जुड़ा होता है, डायरेक्टली मशीन से जुड़ा होता है, ठीक है ना। दूसरा पार्ट है सेल, दूसरा पार्ट है इसका सेल, ठीक है ना। शेल क्या होता है, देखिए कर्नल और शेल, सेल का मतलब है कि जब ये सेल जो है आपको सिर्फ सीएलआई में मिलता है, कहां पर मिलता है सीएलआई, जब आप कमांड लाइन इंटरफेस पे काम कर रहे होते हैं तभी आपको ये सेल मिलता है, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में आपको सेल नहीं मिलता, चूंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, रेड हैट वर्जन की बात कर रहे हैं। सीएलआई मोड में ये सेल मिलता है। सेल का मतलब क्या होता है कि अ ब्लैंक प्लेस, अ ब्लैंक
place on the screen is called cell, where a prompt blink that is called dollar prompt. क्या कहलाता है dollar prompt? आपने देखा होगा विंडो में जो आपको स्क्रीन मिलती है, तो विंडो में आपको कर्सर मिलता है ना, आपको कुछ भी टाइप करना है तो इस तरीके से कर्सर एक ब्लिंक होता रहता है, उस कर्सर के आगे आपको जो भी डेटा टाइप करना होता है वो टाइप करते रहते हैं. और जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का सेल होता है, तो सेल इज द प्लेस वेयर यूजर टाइप्स द कमांड. सेल वो स्थान होता है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जहां पर उपयोगकर्ता क्या करते हैं, अपनी कमांड को टाइप करते हैं. ऑन दैट ऑन द ब्लैंक स्पेस देयर इज अ प्रॉम्प्ट दैट इज नोन एज डॉलर प्रॉम्प्ट. ये क्या कहलाएगा? डॉलर प्रॉम्प्ट कहलाता है, PROMPT डॉलर प्रॉम्प्ट. और ये डॉलर प्रॉम्प्ट यहां पर ब्लिंक करता रहता है, जो हमें ये इंडिकेशन करता है कि इसके आगे से आप कमांड टाइप कर सकते हैं. तो सेल इज द प्लेस वेयर यूजर टाइप्स द कमांड. यहां पर यूजर कमांड को टाइप करता है किसके आगे? डॉलर के आगे. डॉलर क्या है? डॉलर प्रॉम्प्ट है. ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रॉम्प्ट है जिसको हम डॉलर प्रॉम्प्ट कहते हैं. इसके आगे यूजर अपने कमांड को टाइप करते हैं और वो कमांड एग्जीक्यूट होने के लिए कहां पहुंचती है? कर्नेल के पास. क्योंकि कर्नेल क्या है? सोर्स कोड है. तो कर्नेल उस कमांड की जो वर्किंग होती है, उस कमांड को आगे की वर्किंग के लिए कर्नेल के पास सेंड कर दिया जाता है. कर्नेल यूजर के थ्रू दी गई कमांड पे काम करता है और जो भी आउटपुट आता है उसको सेल पर दोबारा क्या कर देता है? रिप्रेजेंट कर देता है. So that is called cell. So kernel is the core program of Linux operating system is called kernel. Morya technical sir, Sunil sir ki class kab hogi? Bahut jaldi Sunil sir ki class bhi hogi. किसी डॉलर प्रॉम्प्ट के डॉलर प्रॉम्प्ट होता है और इसी डॉलर प्रॉम्प्ट के आगे यूजर जो होते हैं अपनी कमांड को टाइप करते हैं. ठीक है ना? तो एक बार फिर से सुन लेंगे कि द कोर प्रोग्राम ऑफ लिनक्स operating system is called kernel. It is not directly connected with the user. It is connected with the machine. Cell is the place where user types the command. On the cell, we get a prompt that is known as dollar prompt. And after the dollar prompt, the user type the commands. Commands sent to the kernel for the execution. And the output is again showed on the cell. कि cell जो होता है, वो एक स्थान होता है जहाँ पर user अपनी command को type करते हैं. जो बच्चे ने भी पूछा था सुनील सर के लिए, तो सुनील सर की थोड़ा तबीयत सही नहीं है. बहुत जल्दी ही वो आपके सामने तबीयत सही होते ही आएंगे, क्लास लेंगे आके. ठीक है ना? तो सेल वो स्थान होता है जहां पर उपयोगकर्ता अपनी कमांड टाइप करते हैं. डॉलर प्रॉम्प्ट मिलता है, उस डॉलर प्रॉम्प्ट के आगे यूजर अपनी कमांड को टाइप करता है. कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए सेल कर्नेल के पास भेज दिया जाता है और जो भी आउटपुट आता है उसको सेल पर दिखा दिया जाता है. एप्लीकेशंस. एप्लीकेशंस क्या है कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे सिस्टम, कर्नेल, सेल एंड एप्लीकेशन, जिसमें कर्नेल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है. देखिए यहां पर जब हम सेल की बात करते हैं तो सेल के कुछ पार्ट बताए गए हैं. पीडी, के, एस एच, जेड एस एच, ए एस एच, टी सी एस एच, ये कुछ सेल के पार्ट हैं. पहला है पीडी के एस एच, पब्लिक डोमेन कॉर्न सेल. इसका पूरा नाम क्या होगा? पब्लिक डोमेन कॉर्न सेल. ये आपका पीडी कैस है. जेड एस एच, इसको कहा जाता है जेड शेल. ए एस एच कॉल्ड ए शेल. एंड टी सी एस एच कहा जाता है टॉम्स सी सेल. ये आपके सेल के कुछ, ये सेल के आपके कुछ डिफरेंट काइंड्स होते हैं जो अलग अलग तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं. ठीक है ना? मतलब हर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग अलग तरीके की सेल होती हैं. रेड हैट लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके सेल के पार्ट पीडीकेएस, जेडएसएच, एएसएच और टीसीएसएच होते हैं, जो हमें एक ब्लैंक स्पेस प्रोवाइड करते हैं और वहां पर यूजर अपनी कमांड को टाइप करता है और उनका यूज करता है. सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. अब इसके बाद जो अगला टॉपिक है हमारा लिनक्स का ही, उसी टॉपिक में आने वाला है डेस्कटॉप्स. जो लिनक्स का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है वो हमें दो टाइप के डेस्कटॉप प्रोवाइड करता है. ठीक है ना? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में हमें कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में दो तरीके के डेस्कटॉप मिलते हैं. देखिए डेस्कटॉप, दो तरीके डेस्कटॉप आपको मिलेंगे. पहला होगा के डी ई और दूसरा है जी एन ओ एम ई. दो तरीके के डेस्कटॉप, मतलब जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है
वो हमें दो तरीके के इंटरफेस प्रोवाइड करता है। केसी मिश्रा सर, आयुष शर्मा सर और दिनेश सर, गुड इवनिंग सर, आप सभी लोग चैनल से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दो तरीके के डेस्कटॉप, के डी और जीनोम। पहले का नाम है के डेस्कटॉप इन्वायरमेंट, कहा जाता है के डेस्कटॉप इन्वायरमेंट, और दूसरा होता है जीनोम, इसका पूरा नाम है GNU ऑब्जेक्ट के डेस्कटॉप एनवायरनमेंट और जीनोम, जीएनयू ग्रुप ऑब्जेक्ट एनवायरनमेंट। ये आपके दो तरीके के डेस्कटॉप पाए जाते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। देखिए ये दो डेस्कटॉप, ये नाम अलग अलग हैं दोनों डेस्कटॉप के, लेकिन दोनों डेस्कटॉप की जो वर्किंग है वो एकदम सेम है। मतलब तो सिर्फ इनके दोनों के लोगों में अंतर है कि अगर आपको केडी पे काम करना है, जब आप लिनक्स के ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ लॉग इन होते हैं तो उसी समय पर आपसे ये क्वेश्चन करते कि why which desktop you want to log in, you want to log in with genome or you want to log in with KDE। तो अगर आप KDE के साथ enter कर जाते हैं, ठीक है ना, KDE और genome के साथ अगर आप enter करते हैं, देखिए जैसे ये दो desktop के version आपको दिखाए गए, तो अगर आप KDE के साथ enter करते हैं तो आपने देखा होगा इस तरीके से जैसे दो window बनी हुई है, तो जो नीचे वाली बार होती है इस बार को क्या कहा जाता है, टास्क बार कहा जाता है। विंडो में यहाँ पर आपको स्टार्ट का सिंबल मिलता है, दैट डिफाइंस दैट, आप विंडो का लोगो देखते हैं, चार बॉक्स बने होते हैं ना, वो विंडो का लोगो होता है। तो यहाँ पर अगर आप केडी से इंटर हुए हैं या फिर आप जीनोम से इंटर हुए हैं, ठीक है ना, के डेस्कटॉप एनवायरनमेंट के साथ या जीएनयू ऑब्जेक्ट मॉडल एनवायरनमेंट, इन दो एनवायरनमेंट में किसी भी डेस्कटॉप के साथ आप इनपुट हुए हैं, तो अगर आप केडी में होंगे तो यहां पर जो सिंबल बना होगा जस्ट लाइक अ सेटिंग बॉक्स, आपने देखा होगा ना कि आपके मोबाइल में जो सेटिंग वाला ऑप्शन नहीं होता है, जस्ट लाइक अ गियर व्हील, जैसे साइकिल के चैन जो लगा होता है ना, गियर जिसको कहा जाता है, उस तरीके से केडी का लोगो होता है और जीनोम का जो लोगो होता है वो क्या होता है, जस्ट लाइक अ पाम विदाउट थंब, कि आपके साथ सिर्फ चार उंगलियां हो और ये अंगूठा आपका हटा दिया जाए, तो दिस इज द लोगो ऑफ जीनोम, ये आपका क्या कहलाएगा, जीनोम का लोगो कहलाएगा। सो द मेन डिफरेंस बिटवीन केडीई एंड जीनोम, इट्स अ लोगो, इन दोनों में जो अंतर है वो कहां से आएगा, वो सिर्फ इनके लोगो से आएगा, अदरवाइज द वर्किंग ऑफ बोथ द डेस्कटॉप इज सेम, दोनों में ही क्या होता है, डेस्कटॉप एरिया, डेस्कटॉप एरिया एंड डेस्कटॉप पैनल, डेस्कटॉप पैनल, ठीक है, डेस्कटॉप एरिया, ये वाला जो प्लेस आप देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड डेस्कटॉप एरिया, और जो ये नीचे वाला, ये जो नीचे वाला प्लेस है, ये वाला प्लेस आप देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डेस्कटॉप पैनल, मतलब इसको आप विंडो में टास्क बार कह देते हैं और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इसको क्या कह दिया जाता है, डेस्कटॉप पैनल कह दिया जाता है। डेस्कटॉप एरिया में बहुत सारे आइकन्स और सिंबल आपको इस तरीके से मिल जाते हैं, बहुत सारे आइकन और सिंबल मिल जाते हैं जिनका यूज करके आप किसी भी टास्क को एग्जीक्यूट करा सकते हैं, और साथ साथ में गुंजन वर्मा, ऋषभ सर की क्लास का दिलासा इतने दिनों से दिया जा रहा है लेकिन क्लास नहीं करवाई गई है, बेटा बहुत जल्दी ही ऋषभ सर की क्लास होने वाली है, लगता है प्रिंसिपल सर से कहना पड़ेगा। हाँ आप प्रिंसिपल सर से भी कह सकते हैं बिल्कुल, अगर यहाँ की टेक्निकल टीम आपकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही है तो आप प्रिंसिपल सर से बात कर सकते हैं बिल्कुल, और उनके आदेश की अवहेलना कोई नहीं कर सकता है। देखिए गुंजन जो आए हैं उनके साथ साथ वो जो बच्चा OP824 है वो भी उनके सपोर्ट में, देखिए तुरंत उसने कमेंट किया है कि गुंजन दीदी अब हमारा सपोर्ट किया है, अब क्लास होगी, अब दो लोग हो गए, एक से भले दो, अब दो लोग हो गए, अब क्लास होगी। चलिए आप लोग अपना सपोर्टर जो है और बढ़ाते जाइए धीरे धीरे, और ऋषभ सर बहुत जल्दी ही आपसे मिलेंगे। तो केडी और जीनोम दोनों में डेस्कटॉप एरिया में क्या मिलेंगे, आपको सिंबल मिलेंगे जिनकी वर्किंग बहुत ही इजिली आप यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। और तो डेस्कटॉप पैनल होता है, यहां पर आपको बहुत सारे आइकन्स मिलते हैं, जैसे टाइम की सेटिंग है, वाईफाई सेटिंग है, कंट्रोल पैनल है, इस तरीके से बहुत सारी चीजें आपको डेस्कटॉप पैनल पे मिल जाती हैं जिनका यूज करके आप अपने पैनल क्या कहते हैं कंप्यूटर की सेटिंग को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है ना। सो डेस्कटॉप, अब बहुत ध्यान से, कितने प्रकार के डेस्कटॉप पाए जाएंगे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में, दो तरीके के, पहला केडी और दूसरा जीनोम। केडी का पूरा नाम के डेस्कटॉप एनवायरमेंट और जीनोम का पूरा नाम जीएनयू ऑब्जेक्ट मॉडल एनवायरमेंट, ठीक है ना, जहां पर मैंने आपको जीएनयू
एनयू का पूरा नाम पहले बताया था, जनरल पब्लिक लाइसेंस, एक फ्री सर्वे होता था जो बहुत सारे सॉफ्टवेयर को यूज करना सिखाता था, ठीक है ना। तो जीनोम का पूरा नाम क्या होगा, ग्रुप जीएनयू ऑब्जेक्ट मॉडल एनवायरमेंट, दोनों में डेस्कटॉप एरिया और डेस्कटॉप पैनल होता है। डेस्कटॉप एरिया में बहुत सारे सिंबल होते हैं जैसे होम है, ट्रैश। एक चीज और याद रखें कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जो रिसाइकल बिन होता है, जैसे विंडो में रिसाइकल बिन कहा जाता है ना, तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में रिसाइकल बिन को नाम दिया गया है ट्रैश, TRASH। ट्रैश मींस होता है रिसाइकल बिन। एक नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में मोस्टली पूछा जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कि व्हाट इज द नेम ऑफ रिसाइकल बिन इन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में रिसाइकल बिन को किस नाम से जानते हैं, ट्रैश के नाम से जानते हैं। तो डेस्कटॉप दो तरीके के, केडी और जीनोम। केडी का पूरा नाम डेस्कटॉप एनवायरनमेंट और जीनोम का पूरा नाम जीएनयू ऑब्जेक्ट मॉडल एनवायरनमेंट। दोनों की वर्किंग एकदम सेम होती है, दोनों में अंतर सिर्फ इतना होता है कि दोनों में अंतर सिर्फ उनके लोगों में होता है। जो केडी का लोगो होता है वो जस्ट लाइक अ गियर व्हील होता है, और जो जीनोम का लोगो होता है अ पाम विदाउट थंब होता है, ठीक है ना। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन केडी एडी एंड जीनोम, एंड द वर्किंग इज सेम, बोथ है द डेस्कटॉप एरिया एंड डेस्कटॉप पैनल। इन डेस्कटॉप एरिया देयर आर लॉट्स ऑफ सिंबल एंड आइकन्स आर अवेलेबल, एंड इन डेस्कटॉप पैनल द कंट्रोल पैनल इज अवेलेबल, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर दो तरीके के आपके डेस्कटॉप हो जाएंगे, केडीई और जीनोम, ठीक है ना। आप सभी बच्चों से कहना है कि आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने क्लासमेट के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है ना। शेयर करते रहेंगे भाई, काफी देर से पढ़ा रहे हैं, चाय पी ली जाए क्या, आप भी घर में बैठ करके चाय वगैरह पी सकते हैं। देखिए अब हमने अभी तक आपसे किस किस चीज की बात की, हिस्ट्री ऑफ लिनक्स हमने बात की, हिस्ट्री ऑफ लिनक्स के बाद हमने फीचर्स ऑफ लिनक्स बात की, इंटरफेस ऑफ लिनक्स बात की, और साथ साथ में हमने फुल फॉर्म ऑफ ट्रैश। ट्रैश का बेटा फुल फॉर्म नहीं है, ट्रैश क्या है, ट्रैश आपका रिसाइकल, जैसे अब आप कहते हैं रिसाइकल बिन का पूरा नाम क्या होता है, तो रिसाइकल बिन का पूरा नाम फुल फॉर्म नहीं होता, रिसाइकल बिन वो प्लेस होता है जहां पर आप डेटा डिलीट करके पहुंचाते हो। उसी तरीके से लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में उसको जैसे ट्रैश नाम दिया गया, रिसाइकल बिन को क्या नाम दिया गया है, ट्रैश। तो ट्रैश का कोई पूरा नाम नहीं होगा, जो रिसाइकल बिन होगा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में दैट इज कॉल्ड ट्रैश, उसको क्या कहा जाएगा, ट्रैश कहा जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे जैसे आप विंडो में देखते हो आपके ड्राइव होते हैं, सी ड्राइव, डी ड्राइव, उसी तरीके से लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होते हैं, डायरेक्टरीज होती हैं, डायरेक्टरीज होती हैं, सब डायरेक्टरीज होती हैं, ठीक है ना। उनके बारे में भी अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो आपने क्या क्या पढ़ा, हिस्ट्री ऑफ लिनक्स, फीचर्स ऑफ लिनक्स, इंटरफेस ऑफ लिनक्स, डेस्कटॉप ऑफ लिनक्स एंड पार्ट्स ऑफ लिनक्स। ये आपका लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का थ्योरिकल पोर्शन और बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है। इससे मोस्टली क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, कमांड्स भी पूछे जाते हैं। अब जो आगे का टॉपिक होगा वो आगे का टॉपिक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में हम आपको बढ़ाएंगे कमांड्स की ओर लेकर के चलेंगे कि किस तरीके से आप कमांड का यूज करते हैं। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो कमांड बेसिस है, आपके बोर्ड में भी कमांड बेसिस ही है, तो बहुत सारी ऐसी कमांड होंगी कि डेटा को कॉपी करना, डेटा को रीनेम करना, डेटा को मूव कराना, मतलब एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में जाना, ठीक है ना, डायरेक्टरी को कॉपी करना, इस तरीके से बहुत सारी कमांड होगी जिनके बारे में हम आपसे बात करेंगे, ठीक है। तो यहां पर एक टॉपिक है सिक्योरिटी फीचर्स ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का सिक्योरिटी फीचर। देखिए कमांड के पहले मैं आपके साथ इस सिक्योरिटी फीचर को मतलब यूज कर बताना चाहूंगा, हाई स्कूल के बच्चे बहुत अच्छे से इसको समझेंगे, क्योंकि ये 5 नंबर का एक क्वेश्चन सिक्योरिटी फीचर जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर आपसे पूछा भी जाता है और बहुत ही आसान है कि व्हाट इज द सिक्योरिटी फीचर, कि सिक्योरिटी फीचर क्या होता है। तो ये जो टॉपिक मैंने अभी आपको बताया है इनको थ्योरिकली बेसिस पर आप बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। आज मैं आपको सिक्योरिटी ऑफ फीचर्स में सिर्फ एक सिक्योरिटी बताऊंगा और इसके बाद मैं अपने वीडियो को खत्म करूंगा क्योंकि बहुत लंबी भी क्लास होती चली जा रही है। लेकिन हम इसके साथ साथ जो सिक्योरिटी फीचर लिनक्स में, सिक्योरिटी फीचर इन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसमें जिस हम सिक्योरिटी की बात करने जा रहे हैं दैट इज पासवर्ड प्रोटेक्शन। हम पासवर्ड प्रोटेक्शन के बारे में बात करेंगे। देखिए सब लोग जितने भी आज के टाइम पे मोबाइल यूजर हैं वो सब के सब इस पासवर्ड प्रोटेक्शन के बारे में जानते हैं। भाई आपको अगर अपना पासवर्ड चेंज करना है तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले आपसे वो कहता है एंटर योर ओल्ड पासवर्ड, आपसे आपका ओल्ड पासवर्ड मांगता है, आप ओल्ड पासवर्ड एंटर करते हो, फिर एंटर न्यू पासवर्ड, आप नया पासवर्ड एंटर करते हो, कंफर्म पासवर्ड, आप पासवर्ड को कंफर्म करते हो और आपका पासवर्ड चेंज हो जाता है। अब ये काम यहां पर आपको किसके थ्रू करना है, क्योंकि अभी जो मैंने आपको बोल करके बताया ये आप ग्राफिकली
करते हो, है ना, आप टाइप करते आते हो, आपको दिखाई देता जाता है। अभी क्या होगा कि इस पासवर्ड प्रोटेक्शन में आप लिनक्स में पासवर्ड कैसे चेंज करेंगे, इस पासवर्ड को चेंज करने के लिए मैं आपको एक कमांड बताऊंगा और ये आपको तैयारी करनी है। इस कमांड के थ्रू आप जो है पासवर्ड प्रोटेक्शन के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है ना। देखिए गुंजन वर्मा का सपोर्ट उमेश सर ने भी किया है, तो उन्होंने कहा उमेश सर आप बहुत अच्छे हैं, सही बात है उमेश सर बहुत अच्छे हैं। डेटा कैन अगेन रिकवर फ्रॉम ट्रेस आफ्टर डिलीटिंग, हाँ जो भी डेटा अगर आपने परमानेंटली डिलीट नहीं किया है, भाई डिलीट करने के दो तरीके होते हैं ना, जैसे किसने पूछा है, भीष्म वर्मा ने पूछा है, ठीक है ना, कि आप रिसाइकल बिन में जो डेटा भेजते हो अगर आप नॉर्मली डिलीट कर देते हो तो आपको रिसाइकल बिन से मिल जाता है, लेकिन अगर आप कंट्रोल शिफ्ट डिलीट के साथ परमानेंटली डिलीट करते हो तो आपको डेटा वहां से वो रिकवर नहीं होता है। उसी तरीके से ट्रेस में भी है कि अगर आपने डेटा टेम्परेरी डिलीट किया है तो आपको ट्रेस से रिकवर हो जाएगा, लेकिन आपने अगर परमानेंटली डेटा को डिलीट कर दिया है तो वो रिकवर नहीं होगा, ठीक है। तो पासवर्ड प्रोटेक्शन, तो सबसे पहली बात तो ये है कि आखिरकार पासवर्ड की जरूरत क्यों है, तो अगर हमें अपने डेटा को सेफ रखना है तो हमें पासवर्ड की जरूरत है, तो पासवर्ड चूंकि भाई वो हमारे डेटा को सेफ रख रहा है तो पासवर्ड कैसा होना चाहिए, व्हाट अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नीड, आप सब जानते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की नीड क्या है। पहला कि द पासवर्ड मस्ट बी कॉम्प्लेक्स, पासवर्ड कैसा होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स का मतलब कि नेवर यूज ओनली इंटीजर्स, कभी भी सिर्फ नंबर का यूज ना करें, कि आपने अपना मोबाइल नंबर दे दिया, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ दे दी, एरिया का पिन कोड दे दिया, ठीक है ना। तो इस तरीके की चीजों का आप यूज पासवर्ड में मत करें, क्यों, क्योंकि इस तरीके के पासवर्ड जो होते हैं बहुत ही इजिली ब्रेक हो जाते हैं। भाई दुनिया का कोई भी नंबर हो वो किससे मिलकर के बना हुआ है, 0 to 9 ना। हैकर्स क्या होते हैं, हैकर्स के पास ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो इस 0 to 9 के कॉम्बिनेशन की 15 से 20 सेकंड के अंदर इनके मिलियंस ऑफ वो कॉम्बिनेशन बना देते हैं। अब कोई ना कोई कॉम्बिनेशन तो आपके पासवर्ड के साथ फिट बैठेगा ही। तो नेवर यूज अल्फाबेट, कभी भी सिर्फ अल्फाबेट का भी यूज ना करें, क्योंकि अल्फाबेट्स आर ओनली ए टू जेड, इधर कैपिटल और स्मॉल, तो इसका भी जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही इजिली बन सकता है। तो हमेशा पासवर्ड कैसा होना चाहिए कि पासवर्ड शुड बी कॉम्प्लेक्स, कि हमेशा पासवर्ड में अल्फाबेट का भी यूज करें, नंबर्स का भी यूज करें और स्पेशल सिंबल्स का भी यूज करें, एंड द मैक्सिमम लेंथ शुड बी 8 कैरेक्टर्स, और जो आपकी पासवर्ड की जो मैक्सिमम लेंथ होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 8 कैरेक्टर्स तक की होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना सकते हैं। अब पासवर्ड तो हमने बना लिया, अब कुछ हर एक टाइम पीरियड के बाद हमें अपने पासवर्ड को चेंज भी करता रहना चाहिए। भाई सोशल मीडिया जितने भी प्लेटफॉर्म है, चाहे वो जीमेल हो, फेसबुक हो या कुछ भी हो, वहां पर हम अपने पासवर्ड को टाइम ड्यूरेशन पे चेंज करते हैं, इससे उसके हैक होने का जो खतरा है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो अब हमें पासवर्ड को चेंज करना है, तो पासवर्ड को चेंज करने का तरीका आप तो जान ही रहे हैं कि ग्राफिकली कैसे चेंज करना है। तो जब लिनक्स में हम चेंज करेंगे तो हमें एक कमांड लिखनी होगी, कहां पर, क्योंकि जो भी हम कमांड लिखते हैं वो डॉलर प्रॉम्प्ट पे लिखते हैं, डॉलर एंड द कमांड ऑलवेज रिटन इन स्मॉल लेटर, क्योंकि कहा जाता है लिनक्स इज कैरेक्टर सेंसिटिव, जो लिनक्स होता है वो केस सेंसिटिव होता है, कि वो कैपिटल और स्मॉल अल्फाबेट में अंतर समझता है, ठीक है ना। तो यहां पर कमांड लिखी जाएगी डॉलर पास डब्ल्यू डी और फाइनली एंटर बटन प्रेस कर देंगे। जैसे ही डॉलर पास डब्ल्यू डी लिख करके आप एंटर बटन दबाओगे तो अब सारे के सारे वर्किंग जो है वो आपको ये कमांड बताएगी, द कमांड डू यू यूज टू क्रिएट लिनक्स फाइल सिस्टम इज, ठीक है ना। तो डॉलर पास डब्ल्यू डी, तो डॉलर पास डब्ल्यू डी कमांड के लिए आपने क्या यूज किया कि जैसे ही आपने ये लिख करके एंटर बटन दबाया, आपका पहला मैसेज आपकी कमांड के थ्रू दिया जाएगा, एंटर योर ओल्ड पासवर्ड, एंटर योर ओल्ड पासवर्ड, कि आप अपना पुराना पासवर्ड इंटर करें। यहां पर आप इस मैसेज को देखेंगे और मैसेज को देने के बाद आप अपने पासवर्ड को क्या कर देंगे, यहां पर जो आपका ओल्ड पासवर्ड रहा होगा उस पासवर्ड को यहां पर आप इनपुट कर देंगे। जैसे ही आप पासवर्ड इनपुट करेंगे, सही पासवर्ड होगा तो तुरंत आपके पास दूसरा मैसेज आएगा, एंटर योर न्यू पासवर्ड, ठीक है ना। इस तरीके से आपके पास दूसरा मैसेज आएगा। ये मैसेज आपके पास कब आएगा, जब आप इस पासवर्ड को, ओल्ड पासवर्ड को सही डालेंगे तभी आपके पास नए पासवर्ड का मैसेज आएगा, अदरवाइज क्या कहेगा, सॉरी द ओल्ड पासवर्ड इज रॉन्ग। तो यहां पर आप नया पासवर्ड इंटर करेंगे, जैसे आप नया पासवर्ड इंटर करेंगे वैसे आपको तीसरा मैसेज दिया जाएगा, कंफर्म योर पासवर्ड, कि कंफर्म योर
पासवर्ड कि आप अपने पासवर्ड को क्या करें, कंफर्म करें, ठीक है ना। तो जो आपने नया पासवर्ड इंटर किया है उसको आप क्या कर देंगे, कंफर्म कर देंगे। अगर ये पासवर्ड और नया पासवर्ड दोनों आपके मैच हो जाएंगे तो मैच होने पर आपके पासवर्ड को कंफर्म कर दिया जाएगा और आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। सो दिस इज द पासवर्ड प्रोटेक्शन इन द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बाय यूजिंग $passwd कमांड। सर टाइम लिमिट क्या होनी चाहिए पासवर्ड चेंज करने की? देखिए मैंने आपसे बताया कि टाइम लिमिट कोई एक ऊपर से फिक्स नहीं है कि आपको 3 दिन के अंदर 5 दिन के अंदर चेंज कर देना है, मतलब एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर आपको अपने पासवर्ड को चेंज करते रहना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे वायरस आपका जो पासवर्ड, आप किसी भी पासवर्ड को जब आप यूज करते हैं तो आपको एक ऑप्शन देता है ना, डू यू वॉन्ट टू रिमेंबर द पासवर्ड, नेवर या नॉट, इस तरीके से ऑप्शन देता है। अगर आप उस पासवर्ड को रिमेंबर करा देते हो तो क्या होता है कि वो पासवर्ड कहीं ना कहीं आपके सिस्टम में सेव हो जाता है। और जब एक ही पासवर्ड आप लगातार आप अपने कंप्यूटर के सिस्टम में यूज करते हैं तो आपके कंप्यूटर कैसे होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले होते हैं, वो उस डेटा को सेव कर लेते हैं और जो हैकर्स होते हैं उसी पासवर्ड को, जो ज्यादा यूज्ड फाइल होती है उसी को पासवर्ड समझ के आपके डेटा को हैक कर लेते हैं। तो एक लिमिटेड टाइम पीरियड में आपको अपने पासवर्ड को चेंज करते रहना चाहिए, ठीक है ना। सो दिस इज द सिक्योरिटी फीचर। पहली सिक्योरिटी फीचर मैंने आपको बताई है पासवर्ड प्रोटेक्शन। दूसरी सिक्योरिटी फीचर जो होगा दैट इज फाइल इनक्रिप्शन। जो दूसरी सिक्योरिटी फीचर होगी वो क्या होगी, फाइल इनक्रिप्शन। उसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो आपको आज मैंने जो भी टॉपिक में जितनी भी चीजें पढ़ाई हैं आपको, ठीक है ना, जितनी भी चीजें मैंने आपको पढ़ाई हैं वो सारी की सारी चीजें आप नोट्स पे तैयार करेंगे और उनको याद भी करेंगे, ठीक है ना। चूंकि आपको बोर्ड एग्जाम में अब बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत सारे बच्चे आज इसमें जुड़े रहे। क्वेश्चन किया है द कमेंट डू यू यूज टू क्रिएट लिनक्स फाइल सिस्टम। देखिए लिनक्स फाइल सिस्टम को क्रिएट करने के लिए 3 कमांड यूज की जाती है, ठीक है ना। जो पहली कमांड आपकी होती है MKFS, एक कमांड होती है, दूसरी होती है MCD और जो तीसरी होती है MPWD। ये 3 कमांड ऐसी हैं, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए सर, सिक्योरिटी फीचर। वैसे मैंने बताया है आपको सिक्योरिटी फीचर के बारे में, पहला मैंने बताया पासवर्ड प्रोटेक्शन, पासवर्ड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की नीड क्या है कि आपका पासवर्ड जो है वो कैसा होना चाहिए, वो आपका कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स का मतलब नंबर, अल्फाबेट्स और कैरेक्टर्स को मिला करके आपका पासवर्ड बना होना चाहिए और इसमें जिस और पासवर्ड को एक लिमिटेड टाइम पीरियड में हमें चेंज करते रहना चाहिए। सिक्योरिटी फीचर में जो पहला सिक्योरिटी फीचर है वो है पासवर्ड प्रोटेक्शन। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में अपने पासवर्ड को चेंज करने के लिए हम किस कमांड का यूज करेंगे, $passwd। डॉलर क्या है, चूंकि बताया था CLI मोड में कोई भी कमांड टाइप करने के लिए हमें उसके पहले डॉलर सिंबल का लगा होना जरूरी होता है, तो हम $passwd कमांड का यूज करेंगे। तो अब जैसे ही हमने पासवर्ड इंटर किया इस कमांड को, तो हमें पहला मैसेज आया इंटर योर ओल्ड पासवर्ड। तो हमने यहां पर अपना ओल्ड पासवर्ड इनपुट किया। अगर आपका ओल्ड पासवर्ड आपने सही इनपुट किया है तब तो आपको नेक्स्ट मैसेज मिलेगा, अगर नहीं होगा तो क्या कह देगा, सॉरी योर पासवर्ड नॉट मैच्ड, ट्राई अगेन, आपको इस तरीके से मैसेज देगा। पासवर्ड आपका मैच हो गया तो इंटर योर न्यू पासवर्ड, आप नया पासवर्ड यहां पर क्रिएट करेंगे, फिर आप अपने पासवर्ड को कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने पर भी अगर आप गलती कर देंगे तो ये आपको सॉरी मैसेज देगा, लेकिन अगर आपका पासवर्ड न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड दोनों सेम हो जाते हैं तो आपका पासवर्ड चेंज हो जाता है। तो दिस इज द फर्स्ट सिक्योरिटी फीचर, पासवर्ड प्रोटेक्शन। आगे के फीचर्स के बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है ना। सर आज से एवरीडे नाइट क्लासेस चलेंगे, जी बिल्कुल, आज से पर डे। आप लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा मिला है तो पर डे आपको नाइट क्लास आज से लेंगे, ठीक है। तो ये आपका पासवर्ड प्रोटेक्शन है। इसके बाद जो अगला है वो मैं आपको जो बताऊंगा वो होगा फाइल इनक्रिप्शन। जो अगला सिक्योरिटी फीचर होगा वो फाइल इनक्रिप्शन होगा, और साथ साथ में बहुत सारी कमांड्स का नॉलेज भी दूंगा। और जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का है वो है मैसेजिंग ओवर लैन, कि किस तरीके से लोकल एरिया नेटवर्क में हम मैसेज करते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करेंगे। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आपने पूरा वीडियो देखा, अभी ये वीडियो आपको अपलोड होकर के मिल भी जाएगा। और क्या कहते हैं कि आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है आज, काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा है। मेरा सब्जेक्ट कंप्यूटर था तो हो सकता है कुछ कम बच्चे जुड़े हैं, सिर्फ वही बच्चे आए होंगे जो कंप्यूटर पढ़ रहे हैं। सारे बच्चों को बहुत 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 थैंक्स। और रिस्पांस चूंकि आपका अच्छा है तो आपको पर डे आज से नाइट क्लास मिलेंगी। पर डे आप लोग जुड़िए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, जिससे कि आगे आने वाले समय में आप जो है, अमन सर आज आपकी इस एनर्जी को वैसी वेस्ट नहीं होने देंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, इस एनर्जी को वेस्ट भी मत होने देना, IPL छोड़ के आए हैं, ठीक है। तो फिर हम आपसे अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। तो जो चीज़ें बताई हैं इनको बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। थैंक यू वेरी मच।